अपनी ड्रीम बाइक है, जी 900 खड़ी है, जी 800 खड़ी है, जी 650 खड़ी है, तीनों 900 खड़ी है, तो ये है ZX6R। तो चलो बात करते हैं भाई। सो गाइस देखो, एडवेंचर 390 खड़ी है, एडवेंचर 250, और ये देखो सामने एडवेंचर 390, ये भी 390, और ये पूरा RC का लाइनअप है। और ड्यूक दो पीछे खड़ी है, फिर हस्क्वर्ना एक खड़ी है, ये नई वाली RC 200 है। इतने दूर में इतना ही मिलता सिग्नल के बाद भगाने के लिए भाई। उतर रहे हैं और एडवेंचर 390 के आगे से क्या बल्की लगती है यार, अच्छी खासी बल्की लगती है। तो फिलहाल साइड में रुकते हैं, फोन पे बात करते पहला, उसके बाद आगे राइड करते कंटिन्यू। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं F3 मोटर्स जो कि है माही में, तो जाते हैं देखते हैं उधर भी क्या है बाइक में, क्योंकि अपना बजट में तो गाइस थोड़ा सा बजट टाइट पड़ रहा है, नहीं तो हम बड़ी बाइक का ही प्लान कर रहे थे, बट शायद से किस्मत में नहीं है। तो ठीक है, किस्मत में नहीं है तो क्या ही करेंगे यार, और इधर बारिश भी बजा रही अपनी, तो इधर से लेफ्ट मारेंगे, दादर होके जाएंगे। जो हो रहा है वो भाई अपने गोप्रो पे, जिसका हो रहा है उसका नज़र गोप्रो पे जा रहा है। अगवा आ जाओ, ये लो भाई इधर भी रेड सिग्नल है, सिग्नल ही सिग्नल आ रहा है, सिग्नल ही सिग्नल आ रहा है, सिग्नल ही सिग्नल आ रहा है, नजर तो पड़ी जाती है भाई साहब। और ये है कोहिनूर, इधर से हम लैपटॉप उठाए थे, लेनो का लैपटॉप लिए थे, अच्छा है। अभी इधर ट्रैफिक ने बजाएगा अपना, चलो इधर से भी खुल गया सिग्नल, खुल गया। हो भाई साहब, तेरी गाड़ी तो बहुत तगड़ी है भाई, तेरी गाड़ी तो बहुत तगड़ी है भाई। लो अब इधर भी एक सिग्नल आ गया, इधर भी एक सिग्नल आ गया, इधर भी खुल गया, लो जी खुल गया। इतने दूर में इतना ही मिलता सिग्नल के बाद भगाने के लिए भाई, क्या ही बताएं यार। लो अभी वापस इधर सिग्नल, तो ये मुंबई की सड़कें अही हैं ऐसा। चलो इधर का भी सिग्नल खुल गया, क्या बात है, ज्यादा मतलब ज्यादा रुकने का नहीं किसी सिग्नल पे। अच्छा संडे तो उतना गर्दी नहीं है यार,
कल तो भाई साहब पूरा ही जाम था इधर। क्या फुद्दू है रे, गाइस मिलते हैं आप लोग से आगे आगे आगे। सो गाइस फाइनली अपन पहुंचने वाले यफ थ्री मोटर हाँ, तो देखते इधर कैसा रहता अपना एक्सपीरियंस। बाकी तो इधर मैं शायद से एक बार आया हूँ, शायद आया हूँ, मैं डोमिनर देखने के लिए आया था शायद से, नॉट श्योर। बट यफ थ्री मोटर किधर है, कौन से तो लाइन में है यार, इधर से देख ले तो मैप में जा रहा है एक बार यार। ठीक इधर से यूं जाएंगे, फिर यूं फिर इसके बाद। अच्छा चलो बंद कर देते हैं इसको। F3 मोटर अपन पहुंच गए फाइनली। तो चलो बाइक लगाते। ओहो नज़ारा देख रहे हो, G900 खड़ी, क्या बात है यार। तो यू टर्न मार के लगाते हैं गाड़ी और देखते हैं क्या मिलता है अपने को इधर से। फिलहाल तो क्या मिलता है। सो गाइस ये है F3 मोटर यार, ड्रीम बाइक देख रहे हो, इतनी ड्रीम बाइक है, कभी आएगी पता नहीं। G900 खड़ी है, G800 खड़ी है, G650 खड़ी है, तीनों 90 खड़ी है, तो ये है ZX6R। तो चलो बात करते हैं भाई। सो गाइस देखो एडवेंचर 390 खड़ी है, एडवेंचर 250, और ये देखो सामने एडवेंचर 390, ये भी 390, और ये पूरा RC का लाइनअप है। और ड्यूक 2 पीछे खड़ी है, फिर हस्क्वर्ना एक खड़ी है, ये नई वाली RC 200 है। भाई साहब क्या कलेक्शन है यार, ड्यूक जावा डोमिनर है, डोमिनर 400 है, सामने XCB 250 जावा, फिर देखो F250 है, N250 नहीं है, तो ये अपाची 310 मालिन खड़ी है, फिर 350 है, एक इंटरसेप्टर खड़ी है, फिर ये 350 ट्वेल्व 350, ये भी इंटरसेप्टर ही है, ये देखो ये भी रॉयल इनफील्ड। तो ऐसा कुछ कलेक्शन देख रहा हूँ, कलेक्शन है F3 मोटर पे, जिसको भी चाहिए आओ बाय करो, लिख के चलो। सो गाइस फाइनली बाइक देख के निकल गए, और इधर देख रहे हीरो का शोरूम है, सब हीरो का ही शोरूम है। तो गाइस फाइनली बाइक देख के हो गया, और क्या ही बताऊँ बाइक के बारे में आप लोग को यार। है तो गाइस गाड़ी तो सही है, 390 है एडवेंचर, सिर्फ 2000 किलोमीटर चली है, सोचो ना, और ठीक ठाक रेट में मिल रही है। तो चलो देखते हैं, प्लान करते हैं इसके बारे में क्या होता है करके। तो अभी डोमिनर का टेस्ट ड्राइव लेने गए, तो देखते हैं क्या होता करके। और गाइस इधर से मारेंगे लेफ्ट, तो सीधा जाएंगे दादर। तो चलो अपना तो काम हो गया भारी।
भाई साहब क्या रेट बढ़े जा रहे हैं यार गाड़ी का। ओहो सुन के तो दिमाग खराब हो जा रहा है गाइस मेरा। अरे आज का नसीब क्या सही है यार गाइस, सिग्नल पे पहुंचने से पहले सिग्नल खुल जा रहा है यार। ये देखो नेक्सॉन ईवी। तो गाइस बहुत सारी गाड़ी भी अभी ज़्यादातर करके इलेक्ट्रिक कार भी आ रही है, इलेक्ट्रिक बाइक भी आ रही है। इधर देखो MT 15, मतलब अभी MT 15 देख रहे हो लेटेस्ट मॉडल आ रही है ना गाइस, वो भी USD फॉग के साथ में आ रही है। RM5 M वो भी USD फॉग के साथ में आ रही है, मतलब क्या ही बोले यार। अभी तगड़ा तगड़ा बाइक आ रहा है अभी तो, एडवेंचर का तो एडवेंचर ही हो रहा है अपने साथ में, जिंदगी के साथ में। मेरे को कैसा ना गाइस, मेरे को लॉन्ग राइड मारने का है, इसके वजह से मैं एडवेंचर पे प्लान कर रहा हूँ। सुजुकी वी स्ट्रॉम का भी टेस्ट ड्राइव लिया हूँ, वो भी ठीक ठाक है गाइस। और GS पाजे तो अभी किधर किधर ही लेके दौड़ रहे हैं उसको, भाई साहब क्या ही बोलने का उनको। तो नो डाउट अच्छी अब एडवेंचर के लिए बनाया गाइस, तो अभी उससे अच्छा रिव्यू क्या ही हो सकता है। अभी वो किधर किधर लेके जा रहे हैं, नई गाड़ी है, कुछ प्रॉब्लम तो दे नहीं रही है। और डोमिनार भी आ रहा है गाइस एडवेंचर में, तो कल डोमिनार का टेस्ट ड्राइव ले लेंगे, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा बाइक अपने को लेना है। तो फिलहाल अभी टेस्ट ड्राइव चालू है अपना। और गाइस एडवेंचर में पावर 40 का है, तो गाइस क्या ही बोलूँ, 40 PS का पावर है। तो मेरे को तो लगता है इनफ है एडवेंचर के लिए। क्योंकि इसके बाद तो मैं बाइक लेने वाला हूँ, सुपर बाइक लेने वाला हूँ गाइस, जल्द ही आएगी। क्योंकि बस आप लोग थोड़ा सा चैनल बूस्ट करवा दे, बाकी तो हम देख लेंगे। ये है दादर सर्कल, इधर सिग्नल है रेड। तो सो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच रहे हैं घर की ओर। तो ठीक ठाक था आज का दिन गाइस, और देखे जो भी था, अभी डिसाइड करना अपने ऊपर है। और हाँ कल जरा डोमिनर का भी टेस्ट राइड ले लेंगे, तो देखेंगे कौन सा बाइक मिलता है अपने को बेस्ट प्राइस में और बेस्ट बाइक।